हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देखें फैक्ट अफेयर्स। मुंबई के थाने में 3 जून को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें 56 साल के मनोज साने द्वारा 32 साल की सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी गई थी। और ये जो वारदात की गई है उसने सबको हिला दिया है, क्योंकि जो मनोज साने हैं उसने सरस्वती को कई भागों में काट के उसके जो टुकड़े हैं उसको कुकर में उबेला, कुत्तों को खिलाया और बदबू को हटाने के लिए उसने रूम फ्रेशनर्स का भी यूज़ करा था। इससे पहले सेम तरह की जो घटना है दिल्ली में भी हुई थी, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर को इसी तरीके से कुछ मारा था। उसने कई सारे टुकड़े करे थे, लगभग शरीर के 40-50 टुकड़े कर दिए थे। सेम उसी तरह मनोज साने ने भी यही कार्य करा है। उसने जो सरस्वती थी उसके शरीर के कई सारे टुकड़े करे और उसको ठिकाने की कोशिश करी। जब पड़ोसियों को लगा कि उसकी जो हरकतें कुछ अजीब सी हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो कुत्तों को खाना नहीं खिलाता था और उसके जो घर है वहाँ पर जो कटर मशीन है उसको चलाने की भी आवाज़ आ रही थी और बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करा तो उसने देखा कि बाथरूम में और घर में, किचन में, मतलब जो टुकड़े हैं वो डले हुए हैं शरीर के, और कई बाल्टियों में तो जो अंग हैं वो रखे हुए हैं और कुछ बाल्टियाँ तो खून से भी भरी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से उसने जो सरस्वती है उसके शरीर के साथ करा है। सरस्वती और मनोज साने दोनों लिव इन पार्टनर थे और इनकी जो मुलाकात है वो किराने की दुकान पर हुई थी, क्योंकि जो मनोज साने है वो किराने की दुकान पर काम करता था और अक्सर जो सरस्वती है उस दुकान पर आया करती थी। अब ये सामने आया कि जो सरस्वती है वो SSC की परीक्षा कर रही थी और जो मनोज साने उसको मैथ भी पढ़ाता था। मनोज साने का कहना है कि वो उसकी बेटी की तरह थी और उसका ख्याल रखता था, उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुए थे। मनोज साने ने ये भी बताया कि वो HIV पॉजिटिव था और उसको 2007 में HIV हो गया था जब उसको ब्लड चढ़ाया गया था। मनोज साने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसने ये भी बताया कि उनकी कभी शादी नहीं होती, लेकिन वहीं पर जो लड़की की बहनें हैं उन्होंने कहा कि ये दोनों मैरिड कपल्स थे, यानी इनकी जो शादी है वो हो चुकी थी। तो एक नया मोड़ आया इस केस में, क्योंकि इससे पहले वो बता रहा था कि इनकी कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो सरस्वती है उसकी बहन का कहना है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये कई सालों से एक साथ रह रहे थे। इस केस से लग रहा है कि जो लोग हैं उनमें आपसी तनाव कहीं ना कहीं ज़्यादातर बढ़ रहा है, जो लोग लिव इन पार्टनर्स रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी हैं जिसमें लिव इन पार्टनर्स ने एक दूसरे को मार दिया हो, या फिर वो लड़का मरा हो या लड़की मरी हो। क्योंकि इससे ये दूसरा केस है जो इतना भयानक है। आप लोगों को श्रद्धा वालकर का केस तो पता ही होगा, जो भी इसी तरीके का था। अब बात आती है कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो लिव इन पार्टनर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे पर शक होने लगता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की घटनाएँ कर देते हैं। मनोज साने को भी यही लग रहा था कि जब वो ड्यूटी से लेट आती थी, मतलब जो सरस्वती है, तो उसको चीटिंग करती थी, क्योंकि उसने बताया पुलिस को कि जो सरस्वती है वो पजेसिव टाइप की लड़की थी, मतलब उसका दूसरों के साथ भी बोलना चालना रहता था, जिसकी वजह से मनोज साने को लग रहा था कि वो उसको चीट कर रही है और उसने उसको मार दिया। लेकिन मनोज साने ने जब पूछताछ की जा रही थी उससे तो ये भी बताया कि जो सरस्वती है उसकी जो मौत है यानी डेथ है वो उसने खुदकुशी की है, उसने उसको नहीं मारा। उसने बताया कि जब मैं रूम पर पहुंचा तो मरी पड़ी थी, जब उसने बॉडी को देखा तो डर गया और उस बॉडी को, यानी जो सबूत है उसको हटाने के लिए उसने बॉडी को ट्री कटर की मदद से कई टुकड़ों में काट दिया ताकि ठिकाने लगा दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और बदबू को हटाने के लिए उसने रूम फ्रेशनर्स का भी यूज़ करा था। तो जो पुलिस है उसने जितने भी पार्ट्स थे बॉडी के उसको इकट्ठा करा है और फोरेंसिक लैब में भेज दिया ताकि इससे पता चल सके कि जो सरस्वती है उसकी डेथ कैसे हुई है, या वो खुद मरी है या फिर उसको मनोज साने द्वारा मार दिया गया है। इस तरह के जो केस होते हैं समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार का कोई एक केस होता है तो इसके बाद जो कई सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की और भी वीडियो आगे को देखने के मिलती रहें और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।